हे इज असलम एंड आई बैक विद माय टॉप फाइव ड्रामाज ऑफ द वीक इस हफ्ते काफ़ी मुश्किल हो रहा था क्योंकि लिस्ट लंबी थी उसमें से पांच ड्रामे चूज करना तो मैं बैठी हुई सोची थी अच्छा ये इसलिए ये इसलिए सो बट आई डू हैव टॉप फाइव सो या स्टार्ट हुआ है आई एम रियली लाइकिंग इट मुझे मज़ा आ रहा है देखने का एंड मदिया uh, इमाम एंड खुशहाल की जोड़ी मुझे अच्छी लग रही है ऑन स्क्रीन um, दोनों अपने जो मदिया uh, के जो रीसेंट कैरेक्टर uh, था और खुशहाल uh, का जो अभी कैरेक्टर चल रहा है उससे डिफरेंट है तो इट्स इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू सी दैम क्वेश्चन ये है कि क्या या, या हमारे टॉप फाइव में है इस हफ्ते या नहीं है सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर फाइव नंबर फाइव पर हमारे पास है जफ़ा जफ़ा इंटरेस्टिंग था जारा का पूरा जो इमोशनल एक जर्नी था उससे हमें गुजारा नुम और दीपू क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही लेकिन फिर भी उन्होंने हमें पकड़ के रखा हुआ है कि क्या होगा ड्रामे में सो so, जफ़ा इज़ नंबर फाइव नंबर फोर पे दुनिया है गोइंग स्ट्रॉन्ग आगे कहानी बढ़ रही है अना ने तो अपनी पोजीशन ले ली है शामिर कब लेगा हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिप आता है दुनियापुर में फिर वो ऊपर पिक कर लेता है आई थिंक जब शामिर भी ओन अप कर लेगा फिर बहुत मज़े की कहानी हो सकती है नंबर थ्री पे हमारे पास है नादान नादान की ये वाली एपिसोड बहुत बहुत ज़बरदस्त थी मुझे डर लग रहा था मुझे स्ट्रेस हो रहा था मैं सोची थी क्या होगा डॉक्टर ताबिर के साथ क्या करेंगे ये लोग और पीर साहब की डेथ हो गई मुझे लग रहा था वो हॉस्पिटल जाएंगे फिर कुछ होगा एंड लाइक इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग इट केप्ट यू ऑन द एज इट केप्ट यू इंगेज एंड आगे भी जाके क्या होगा मुझे डर सोनादान दिस वीक वॉज वेरी वेरी गुड नंबर टू पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्टर दिस वीक गोस टू बदर महमूद फॉर द लास्ट एपिसोड कभी मैं कभी तो ऑल दो आई फेल कि शुरू की एपिसोड जो थी उसमें काफ़ी मुझे लग रहा था वो बेहतर हो सकती थी लेकिन कुछ चीज़ें जिसकी वजह से आई थिंक बदर मेमोज डायरेक्शन स्टैंड आउट नम जैसे उन्होंने साउंड्स बहुत कम यूज़ किए हुए थे जब मुसमत शजीना की तरफ वॉक करता है तो उसके चलने की आवाज़ आ रही थी एंड आई रियली लव दिज न्यू एडिशन दिस एक्सपेरिमेंटल मूव बीन डन इन द ड्रामा लाइटिंग कैसे हुई है पोजिशन कैसे है कैमरा एंगल्स क्या हैं डी और यू नो साउंड को कैसे इस्तेमाल किया गया है ये सब डायरेक्टर

डायरेक्टर्स हानिया एंड मुस्तफ़ा इन इन दैट सीन रियली सटल बट सो मेनी इमोशन दे डेंट क्रॉस एनी लाइन ऐसा नहीं था कि हानिया फूट फूट के रो रही है मुस्तफ़ा जो है वो चीख रहा है मुस्तफ़ा फूट फूट के रो रहा है कितना लेवल पे खेल रहे थे जस्ट लाइक ऑल ऑफ आस वू यू नो पैशनेट जज्बा दिल से बात करें लेकिन इमोशन भी है लेकिन लाइन क्रॉस नहीं कर रहे तो आई थिंक ये जो छोटी छोटी चीज़ें थीं म्यूज़िक का किस तरीके से इस्तेमाल किया एंड में जिस तरीके से उन्होंने वो सारे पोस्टर्ड नोट्स दिखाए फिर ड्रामे फिर वो गाना आ गया ओ एस टी ही ब्रॉट द ओ एस टी बैक भाई तो भी इस वाली एपिसोड में तीनों ओ एस टी तीनों साउंड ट्रैक्स थे जो ड्रामे के हैं सो so, um, दैट्स वाई आई थिंक मदर मेमो डिड अ ग्रेट जॉब फॉर कभी मैं कभी तो नंबर टू पर हमारे पास है सो मेरे दिल डिस्पाइट कि मुझे uh, सो मेरे दिल की कुछ थीम्स से मसला मुझे नहीं समझ आ रही द ड्रामा इज़ कीपिंग यू इंटरेस्टेड इट मेक्स यू वंडर वॉट विल हैपन नेक्स्ट अच्छा अब सदफ़ क्या करेगी बिलाल क्या करेगा दोनों का इंट्रैक्शन किस वक्त होगा तो ड्रामा जो है वो फ्राम एन इंगेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको इंटरेस्टेड रख रहा है ड्रामे में एंड यू कीप वॉचिंग इट और परफॉर्मेंसेज uh, भी बहुत जगह अच्छी भी होती हैं बहुत जगह क्वेश्चनेबल भी हैं एंड क्यूरोसिटी है कहानी का पता चलेगी दोनों को क्या मोहब्बत हो जाएगी क्या होगा कि वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर लेगी सदा तो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन आर कीपिंग यू इंगेज विद द ड्रामा नंबर वन पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू फहद मुस्तफ़ा व्हाट एन अमेज़िंग परफॉर्मेंस आई थिंक उन्होंने हमें एक फ़िल्मी हीरो वाला टच भी दिया एक आशिक का टच भी दिया उस मोहब्बत को दिखाया जिसके लिए आई थिंक हर एक इंसान दिल में उसके लिए जज्बा ये है कि मुझे ऐसी मोहब्बत मिलनी चाहिए ऐसा बंदा मेरी जिंदगी में होना चाहिए तमाम लड़कियों के आई थिंक इस वक्त वो क्रश होंगे तो um, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस एंड यू नो द वे ही इज़ यू नो ही ही पोर्ट्रेट मुस्तफ़ाज़ दुख उसके उसके चैलेंजेस उसका अंदर का टर्म उसके अंदर की फीलिंग्स एंड यू नो पूरा ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो हो रहा है एंड देन द वे ही ब्रोक एंड ही सेट टू शजीना कि छोड़ के क्यों गई छोड़ना तो ऑप्शन ही नहीं था वो बहुत बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस एंड वी मैंने ये पहले भी बोला है वी ऑल बी ऑल बीन हिज ग्रेट फैंस बट आई थिंक हम दोबारा उनके फैंस हो गए हमें याद आ गया कि हम फाद मुस्फा के फैन क्यों है? इतनी जबरदस्त और इतनी अच्छी दिल जीतने वाली परफॉर्मेंस थी कभी मैं कभी तो मैं बेस्ट एक्टर फीमेल कोस टू हानिया आमिर आई थिंक हानिया डिड एन अमेजिंग फैबुलस हार्ट विनिंग आई डोंट हैव है वर्ड्स टू डिस्क्राइब कि कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी उनकी शी डिड एन अमेजिंग अमेजिंग जॉब जब वो दरवाजे के इधर उधर बैठे होते हैं जब रोना शुरू करती है वो बात करती है एंड द वे शी सेज उनकी आवाज़ उनकी टोन जैसे ऊपर नीचे हो रही थी उनकी टोन में जो एक्सप्रेशन थे दे वर रियली रियली गुड यू नो दे वर रियली हार्ट टचिंग वो आपके दिल को लग रहे थे मुझे लगता है अगर आप आंखें बंद करके भी शजीना की आवाज़ को सुनते तो आपको वो सब इमोशंस नज़र आते हानिया के एक्सप्रेशन बहुत ज़बरदस्त हैं और मैं वो ड्रामा देख रही थी तो मुझे कल उनकी परफॉर्मेंस देखी थी मुझे वो तो टाइम याद आ रहा था जब जानान में हमने हानिया को पसंद करना शुरू किया था फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ आई सी

सच अ ग्रेट जॉब बाय हानि आमिर दिस वीक नंबर वन पे हमारे पास है कभी मैं कभी तुम ड्रामी की लास्ट अपिसोड आई आई थिंक मंडेज एंड ट्यूजडेज आर नॉट गोइंग टू डी द सेम बिकॉज यू वॉन्ट हैव कभी मैं कभी तुम ऑन मंडेज एंड ट्यूजडेज ग्रेट एपिसोड थोड़ी मेरे पेशेंस को काफ़ी टेस्ट किया एपिसोड ने अपने ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट ऑफ द टाइम लेकिन लास्ट का जो एपिसोड लास्ट का जो सीन था दैट मेड अप फॉर एवरी थिंग दैट वन डॉग इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द एपिसोड मुझे बहुत पीछी लगी uh, शुभ का कुछ पार्ट और थोड़ा मैं वेट गई थी कब शजीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे से बात करेंगे कब उनका जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है वो दोबारा ठीक हो जाएगा सो so, um, मज़ा आया उसको देख के मज़ा आया शजीना मुस्तफ़ा के इंटरेक्शन को देख के जो हम कब से वेट कर रहे थे वो हमें मिल गया सो आई थिंक जो मेरी आइकॉनिक uh, ड्रामों की लिस्ट है या सीन्स है ना उसमें अब एक और एडिशन हो गया बहुत सी सीन्स का और इस ड्रामे का सो so, कभी मैं कभी तुम इज़ ऑन नंबर वन दिस वीक विद इट्स फाइनल एपिसोड दीज व माई टॉप फाइव the वीक आपके टॉप फाइव में कौन से ड्रामे या कौन से ड्रामे आपको इस हफ्ते बहुत पसंद आ रहे हैं कॉमेंट्स में जरूर मुझे बताइए टेक केयर हाफिज